सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मोइजिन और आज हम बात करने वाले थॉर टेल्स ऑफ एसगार्ड के बारे में। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जो कि 17 मई के टाइम में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें थॉर की एक अलग भूमिका नजर आती है। एक बचपन वाला थॉर हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ ओडिन, लोकी और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हमें इस फिल्म में नजर आते हैं, जो कि एनिमेटेड फिल्म है लास्ट मार्वल की। इसके बाद एनिमेटेड फिल्म नहीं आई है दोस्तों, तो ये लास्ट में है, जिसका डायरेक्टर है सैम लियू, जो कि एनिमेटेड मूवीज डायरेक्ट करते हैं, पहले मार्वल के लिए भी करते थे, अभी डीसी के लिए भी करते हुए दिखते हैं। तो ये एक अमेजिंग पिक्चर निकल के आई है। इसके बाद हमारी एक लास्ट पिक्चर बची है जिसका नाम है प्लैनेट हल्क, वो हम किसी और दिन कवर करेंगे। तो चलिए आइए मिलके करते हैं थॉर टेल्स ऑफ एसगार्ड का पूरा मूवी एक्सप्लेन। तो लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं हमारे दो योद्धा, जिनका नाम है थॉर और लोकी। ये आगे जाके एसगार्ड संभालेंगे, ऐसा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे थॉर अपना ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी वॉरियर स्किल डेवलप करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़े एसगार्ड के बैटल ग्राउंड में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वो एक छोटी सी गलती से हार जाता है ये पूरी की पूरी जंग। और इसमें साथ देने के लिए उनके जो साथी है, जो कि बाकी वॉरियर्स है एसगार्ड के, वो उसे जिता ही देते हैं आखिरकार, उसकी तलवार वापस देखे, जिस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सिफ को, जो कि सिर्फ एक्चुअल में उस बैटल को देखने के लिए आई है, बट वो बैटल को एंजॉय नहीं करती, वहाँ से निकल जाती है। और थॉर यही चीज़ पूछने के लिए उसके पास जाता है कि तुम आखिरकार क्यों ये पूरी बैटल नहीं देख पाई, जहाँ पे मैंने सब लोगों को हरा दिया था। जहाँ पे सिफ का एक सिंपल सा कहना है कि तुम एक एरोगेंट से बच्चे हो, एरोगेंट से प्रिंस हो, जिसका साथ देने के लिए उनके वॉरियर्स हमेशा रेडी रहते हैं, और तुम ऐसे प्रिंस हो जिस वजह से तुम्हें कभी वो हराना नहीं चाहते, इसलिए वॉरियर्स तुम्हें तुम्हारे साथ देते हैं, और साथ ही साथ तुम्हें वो तलवार भी तुम्हारे पास वापस की है, ऐसा मैंने देख लिया था, इसी वजह से मैं वहाँ से चली आई थी। जहाँ पे इतना बातचीत होने के बाद थॉर थोड़ा सा गुस्सेल हो जाता है, जैसा वो बचपन में देखा करते थे वैसा ही वो गुस्सेल हो गया है, जहाँ पे वो सीधा का सीधा सिफ को बोल देता है कि मुझसे लड़ो। जहाँ पे सिर्फ वो जो खाद निकालने का एक फावड़ा रहता है, उसी से ही थॉर को वहाँ पे हरा देती है, जहाँ पे पूरा का पूरा थॉर का जो ईगो है वो चकनाचूर होते हुए भी हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अभी थॉर जाता है सीधा का सीधा ओडिन के पास, और जहाँ पे उनको बोल देता है कि मुझे बैटल ग्राउंड में जाना है, युद्ध करना है, युद्ध में लड़ना है, जिस वजह से वो खुद को प्रूफ कर पाए कि वो बैटल के लायक है, यानी एक वो बड़ा योद्धा है, ऐसा उसको प्रूफ करना है, इसलिए उसको जाने का कोशिश कर रहा है, वो ओडिन को बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे एक बड़े से बैटल में जाने देना चाहिए, जहाँ पे ओडिन उसको मना कर देता है। इधर हम देखते हैं लोकी अपने जो मैजिकल पावर से उसको एनहांस कर रहा है एमोर के साथ, वो भी देखने को मिलता है, जहाँ पे थॉर लोकी की मदद मांगने आ जाता है। थॉर इसलिए लोकी के पास आता है क्योंकि अब थॉर के पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि उसके पिता ओडिन ने तो उसको मना कर दिया है, पर एक ऑप्शन ऐसा बचा है कि थॉर और लोकी मिल के जाएंगे एक बैटल वाले जंग में, इस वजह से थॉर आया है लोकी से मदद मांगने। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओडिन का जो एडवाइज़र है, जो कि डार्क एल्फ एल्ग्रिम है, वो एक्चुअल में थॉर और लोकी की मदद कर देता है वहाँ से बैटल ग्राउंड में जाने के लिए। एक्चुअल में ये लोग जाने वाले हैं सरतर की तलवार लेने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो कि लॉस्ट है योटनहाइम में, जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं, जिसके लिए एक नाव जाने वाली रहती है, कुछ वॉरियर्स जाने वाले रहते हैं जो कि फेमस वॉरियर्स है वहाँ के, तीन वॉरियर्स, तो उनके ही शिप के अंदर ये दोनों छुप के बैठ के उस वॉरियर के साथ चले जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो कोई तो ढाबा सा है, यानी जहाँ पे रुक के ये लोग सब पार्टी कर रहे हैं, ये वॉरियर्स पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे थॉर और लोकी उनके सामने आ जाते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ होती है कि जिस वजह से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये सारी की सारी गलती एक्चुअल में लोकी ही होती है। लोकी मैजिक से ऐसी कुछ चीज़ें कर देता है, बियर गिरा देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो पूरा का पूरा जो ढाबा है, जो कि रेस्टोरेंट है एक, वो जला के खाक कर देता है, और वहाँ से ये चारों, ये छः लोग, पांच लोग वहाँ से भाग के निकल आते हैं, जो कि थॉर के कहने पर चले जाते हैं यूटनहाइन में उस स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। फिर इधर हम देखते हैं कि जिसका वो रेस्टोरेंट था जो कि एक्चुअल में जल गया था, वो ओडिन से मिलने आ चुका है, और ओडिन को उसने बता दिया है कि भाई मेरा पूरा पूरा जो रेस्टोरेंट है वो जला दिया है आपके बेटे थॉर ने और लोकी ने भी,
जिसका प्रूफ देने के लिए वो एक्चुअल में थॉर की जो तलवार है वो ओडिन के सामने रख देता है। इधर हम देखते हैं यूटनहाइम में कि यूटनहाइम में ये पांच लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे वो उसकी तलवार ढूंढने के लिए घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, जहाँ पे ये पूरा का पूरा बर्फीला रेगिस्तान है जहाँ पे चारों ओर बर्फ है, तो ये कैसे तो करके वहाँ पे सर्वाइव करते जा रहे हैं और थोड़े दिन देर टाइम बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही रात होते हुए दिख रही है तब वहाँ पे थॉर और लोकी को उनके पिताजी की एक बचपन में सुनाई गई सर्तर के साथ की जंग बताई जाती है, जहाँ पे वो लोग उस कहानी को एक्चुअल में उनके सामने प्रेजेंट होते हुए हम लोग देखते हैं, जहाँ पे सर्तर इस दुनिया पे राज करना चाह रहा है तो वो एक्चुअल में डार्क एल्फ के साथ मिलके वो अपनी तलवार उठा के ओडिन से लड़ते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ओडिन उसको इजी वे में डिफीट कर देते हैं और जिसकी बदौलत वो जो तलवार है वो सर्तर से अलग होके वहीं पे कहीं तो गिर जाती है, जो कि एक्चुअल में उन लोगों को दिख जाती है कि वहीं पे ही गिरी होगी। जिस पहाड़ के अंदर वो गिरी है वहाँ पे ये लोग अभी निकल चुके हैं उस पूरे के पूरे तलवार को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो उस पहाड़ के गुफा में घुसते हैं तो वो पूरा का पूरा टूट के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद उनके सामने होती है वो सर्तर की तलवार, जिसको उनका एक वॉरियर निकाल के दे देता है और फिर अपना थॉर उसको हाथ लगाता है जिस वजह से उसकी साइज छोटी हो जाती है और छोटी होने की वजह से वो खुद के पास थॉर इसको रख लेता है। बट इसके पहले वो उसकी एनर्जी फील करता है जो कि उससे निकलने वाली आग है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि सीधा बर्फ को चीरते हुए भी हमें दिख रही है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि यूटनहाइम के जो लोग हैं जो कि फ्रॉड जायंट्स हैं उनको एक्चुअल में पता चल गया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कि एक्चुअल में इनको पूछे बगैर आए हैं इस लैंड पे, जहाँ पे उनको ढूंढने के लिए ये लोग भागे चले जा रहे हैं। अभी इन लोगों को यानी थॉर और बाकी ये लोगों को, थॉर लोकी और वॉरियर्स को यहाँ से जाना है वापस अपने घर यानी एसगार्ड में, तो उनके लिए वो मदद मांगने जाते हैं एक्चुअल में वल्काइरी से। जी हाँ दोस्तों, वो उसी प्लैनेट पे देखने को हमें मिलते हैं जो कि एक्चुअल में पूरे के पूरे औरतें रहती है, जैसे आपने वल्काइरीज को देखा है अपने रैग्नारोक वाले मूवी में, तो वही पूरे के पूरे एक्चुअल में लेडीज़ वॉरियर्स रहते हैं जो कि एक्चुअल में मर्द को यानी मेंस को पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी भी एक अलग जगह हमें देखने को मिलती है जहां पर अब ये थॉर मदद मांगने के लिए जाएगा सिफ के पास, क्योंकि सिफ भी एक्चुअल में एक वल्काइरी है जो कि उसी ग्रह पे उसी प्लैनेट पे उनको मिलेगी, जो कि उनको मदद करेगी वहां से एसगार्ड पहुंचाने में। तो ये लोग जा रहे हैं तो इनके पीछे अभी ये फ्रॉस्ट जायंट्स भी लगे पड़े हैं, जहां पे जो दो सिक्योरिटी गार्ड है उनको ना चाहते हुए भी थॉर वहां पे मार देता है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे लोकी की जान खतरे में होती है इसी वजह से वो तलवार का यूज कर देता है, जिसको कंट्रोल करना ऑब्वियसली बात है भाई किसी के हाथ में नहीं है, फिर भी थॉर कैसे तो करके कंट्रोल कर लेता है। फिर भी वहां दो फ्रॉस्ट जायंट की मौत हो जाती है और ये खबर फिर पहुंच जाती है फ्रॉस्ट जायंट के राजा के पास, जो सीधा का सीधा ऐलान कर देता है एसगार्ड के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये लोग सब मिलके फ्रॉस्ट जायंट के पूरे वासी मिलके गए हैं एक्चुअल में हमला करने के लिए एसगार्ड पे, जहाँ पर एसगार्ड के सामने जाने के बाद ये सारी बातें ओडिन के सामने रखी जाती है फ्रॉस्ट जायंट के किंग के द्वारा। तुम्हारा सन थॉर एक्चुअल में यूटनहाइम पे है, जिसने दो फ्रॉस्ट जायंट को कत्ल कर दिया गया है, तो इसके बदले अगर तुम्हें अगर ये पूरी जंग रोकनी है तो इसके बदले मुझे चाहिए होगी वो सर्तर की तलवार। तो यहाँ पे हमारा जो एसगार्ड का ओडिन है वो हाँ कह देता है कि तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी एक्चुअल में उसकी तलवार। तो अब यहाँ पे सैनिक मिलके और जो एल्फ है, जो डार्क एल्फ है, जो एक्चुअल में ओडिन का एक सेनापति बताया गया है या फिर एक बोलू उसका शुभचिंतक बताया गया है, उसके साथ भेज देते हैं कुछ सैन्यों के साथ थॉर को ढूंढने के लिए यूटनहाइम पे। इधर हम देख रहे हैं कि थॉर अभी उन वल्काइरीज को मिल रहा है, सिफ को मिल गया है, जहाँ पे सिफ की जो रानी है वो एक्चुअल में इन लोगों को कैद करने में लगी पड़ी है और बाहर जो फ्रॉस्ट जायंट्स है वो कैसे तो करके इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनके पास जाएंगे और वो सर्तर की तलवार हासिल कर लेंगे, साथ ही साथ इनको मार भी डालेंगे। तो अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है कि सिफ और बाकी जो रानियाँ हैं, जो रानी है वो इन लोगों को अगवा करने की कोशिश कर रही है, तलवार उसने खुद के पास रख ली है। तभी यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट के लोग आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। इसी हमले के बीच में एक्चुअल में रानी गिर जाती है और फिर बाकी सारे लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे थॉर भी लड़ रहा है, लोकी भी लड़ते हुए दिख रहा है, जितने बाकी वॉरियर्स है तीन वो भी लड़ते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये जो वल्काइरीज है वो भी लड़ते हुए हमें नजर आ रही है, पर उन्हें रोकना एक्चुअल में नाकामयाब होते हुए दिख रहा है। तभी वहाँ की जो रानी है वो सिप को कहती है कि इन लोगों को जाके तुम एक्सगार्ड में पहुँचा दो।
फिर ये लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से वल्कैरीज की दुनिया से और बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो हम इधर देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो सेना है डार्क एल्फ और उसकी साथ भेजी हुई सेना, जो कि थॉर को वापस लाने का काम के लिए भेजी है ओडिन ने, जो उनके सामने आ चुकी है, जहाँ पे ये तलवार थॉर दे देता है उस डार्क एल्फ को। और देने के वजह से वो डार्क एल्फ और एक्चुअल में उसके पास में ऐसी चीज़ें हुई है कि डार्क एल्फ में ही सर्टर को जिंदा किया था ताकि वो इस पूरे दुनिया पे राज कर सके और यहाँ पे रह सके। जिसको मारने का काम ओडिन ने किया है तो उसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। बचे हुए जितने भी सैनिक उसने लाए थे उनको मार देता है। सिर्फ थॉर, लोकी, सिफ और बाकी के लोग बच जाते हैं, यानी उनके साथ आए हुए वॉरियर्स बच जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। और वहाँ से एल्फ कैसे तो करके भाग जाता है, आ जाता है एसगार्ड में। इधर एसगार्ड में आने के बाद ये डार्क एल्फ सीधा का सीधा ओडिन के ऊपर हमला कर देता है उस तलवार से, जहाँ पे ओडिन उनका सामना करते हुए दिख रहे हैं, उनके बहुत सारा पावर्स यूज होते हुए दिख रही है, उनका जो एक्चुअल में वो थंडर है वो भी ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है। और इधर हम देखते हैं कि भाई अभी ये जो फ्रॉस्ट जायंट बाहर खड़े हैं एसगार्ड के, जो कि हमला करने के लिए रेडी है, जो कि सुबह का वेट कर रहे हैं कि सुबह हो जाए एक बार तो हम लोग इन पे ऊपर हमला कर दे। तो इधर बाहर हम देखते हैं कि भाई ये लोकी और सिव और थॉर आ चुके हैं यहाँ पे एसगार्ड में, जहाँ पर एसगार्ड के अंदर हम देखते हैं कि भाई एल्फ जो डार्क एल्फ है उसके और ओडिन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, जहाँ पे ओडिन हार चुके हैं यानी गिरे पड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई है, जिनको बचाने के लिए लोकी और थॉर निकल पड़ते हैं। और उनको बचाने के लिए वहाँ पे थॉर ओडिन के जो हथियार है उसका इस्तेमाल करता है और डार्क एल्फ को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उनको मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही वो एज अ फ्रेंड मानता है इस वजह से। पर इधर जो लोकी है वो एक्चुअल में ओडिन को ऐसा देख के उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, उसके ऊपर रेज पैदा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, जिस वजह से वो सीधा का सीधा सर्तर की तलवार उठाता है और वो आगे आगे से ही डार्क एल्फ को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि भाई थॉर ने वो जो सर्तर की तलवार है वो लेके आ गया है बैटल ग्राउंड में, और सीधा का सीधा जो फ्रॉस्ट जायंट है उनके राजा के सामने वो तलवार रख दी है, जहाँ पे राजा ने घोषित कर दी है कि भाई अभी जंग नहीं होगी, चलो हमारे अपने घर वापस चलो, और थॉर को वहाँ पे बख्श दिया है। और फिर इधर हम देखते हैं भी दूसरे दिन, जहाँ पे हमारे ओडिन उठ चुके हैं, थॉर को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा जो लोकी है वो कुछ सा निराश है, कहीं पे उसने उसके हाइड आउट में ही एक अपनी जगह बना ली है। और फिर ये सारी कहानी ख़त्म होने के बाद ये जो वॉरियर्स बचे थे वो अपनी कहानी सुनाते हुए दिख रहे हैं एसगार्ड के अंदर। तभी वहाँ पे थॉर भी आ जाता है, वो भी कुछ ना कुछ मनगढ़ंत सी कहानी बताता है, अपनी जर्नी के बारे में बताता है, और फिर मिलने जाता है सिफ से, और फिर एक सिफ और थॉर के बीच अमेजिंग किस के साथ मूवी हो जाता है दोस्तों ख़त्म, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है दोस्तों। अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो। तो बस दोस्तों यही है हमारा थॉर टेल्स ऑफ एसगार्ड का मूवी एक्सप्लेन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।